हेलो सेजिटेरियस, जिनकी भी राशि सेजिटेरियस है, धनु राशि, अब मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं आपके अप्रैल के महीने में आपके लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ सकती है, क्या किन बातों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात, ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, अगर आपकी राशि आपकी कुंडली में मून साइन में सेजिटेरियस है, धनु राशि है, तो आप डायरेक्टली ये देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली नहीं है या बर्थ चार्ट नहीं है, आपको नहीं पता आपका मून साइन क्या है, तो फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सेजिटेरियस है तो आप देख सकते हैं, या आपके पार्टनर की। सो शुरू करते हैं करंट। सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशन को लेकर, और उसके बाद हम करियर को लेकर भी देखेंगे। धनु राशि वालों, अप्रैल 2021 का महीना आपका कैसा जाने वाला है। शुरू करते हैं धनु राशि, प्लीज गाइड करें एंजल्स। द फूल, एट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है बॉटम में विद द सन। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग लव रिलेशन हो या करियर हो, जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन में। आपके माइंड में एक से ज़्यादा थॉट्स हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, कंफ्यूजन है। हो सकता है एक तरफ फैमिली हो, एक तरफ आपके पार्टनर हो, या एक तरफ काम हो, एक तरफ आपके पार्टनर हो, मतलब दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में हो, आपके लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं, स्टेबल कमिटमेंट इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर एक्शन दिख रहा है मुझे। डेफिनेटली एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, आप भी एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, एट ऑफ वैंड्स एंड द फूल। ओके, लव रिलेशन में धनु राशि वाले, मैं देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे म्यूचुअल लव है, सोल कनेक्शन है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों में, काफ़ी लोगों में एज गैप हो सकता है, कोई यंगर हो सकता है, कोई एल्डर हो सकता है। हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, मे बी फैमिली इश्यूज़ हो, कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, या स्टेटस डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से फैमिली बीच में आ रही है, फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे हैं, किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, स्टक हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं आपके तरफ, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे। अगर ये आप अपने लिए देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर की तरफ एक्शन ले सकते हैं, या आपके तरफ एक्शन हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आप अपने पार्टनर की, केयर करते हैं उनकी, सक्सेस चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक्शन लेंगे, केयरफ्री होके निकलेंगे इस सिचुएशन से बाहर, स्टक सिचुएशन से बाहर। अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आप करने वाले हैं बहुत जल्द। अगर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है उनकी तरफ से। डेफिनेटली खुद को एक एक्शन लेने के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं धनु राशि। ये सिचुएशन क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि केयरफ्री होके आपके तरफ एक्शन होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके लाइफ में। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है लव रिलेशन को लेकर। अगर करियर की बात करें तो आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और आप उस पर एक्शन लेना चाहते हैं, मे बी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं बिजनेस में, जॉब में, किसी चीज़ में। हो सकता है आपने अप्लाई किया हो, या किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, या इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, कहीं से मैसेज या कॉल आपको रिसीव हो सकता है, किसी जगह का रिजल्ट निकल सकता है, कुछ नया शुरू कर सकते हैं आप। ऑब्वियसली घूमने आप जाने वाले हैं, यहाँ पे किसी तरह का शॉपिंग कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम आप अपने लिए निकालेंगे अप्रैल में। साथ ही साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। डेफिनेटली अप्रैल में अगर आपने कुछ भी स्टार्ट किया है तो वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा।
अगर कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं अपने लाइफ का, करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड, आपको डेफिनेटली सूट करेगा वो डिसीजन, सक्सेस मिलेगी आपको उसमें। फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हो सकता है वेकेशंस पे जाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, रिलेटिव्स के यहाँ जाएं, किसी अपने से मिल सकते हैं। आपकी हैप्पी फैमिली रहने वाली है अप्रैल में, मतलब फुल इन्जॉयमेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे। किसी तरह का रिस्क लेने से आप डर सकते हैं, हो सकता है आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन आप डर रहे हैं, चाहे प्लॉट में, चाहे फ्लैट में, चाहे बिजनेस में ही कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, या किसी तरह की इनसिक्योरिटी की भावना आपको रह सकती है। किसी चीज़ का प्लानिंग कर सकते हैं आप, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कुछ नया शुरू करने के पहले फैमिली से या पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड से अचानक से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी को प्रपोजल मिल सकता है, किसी की तरफ न्यू लव आ सकता है। यहाँ पे सेजिटेरियस, बहुत ही खूबसूरत महीना जाने वाला है आपका। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या निकल कर आता है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। प्लीज़ गाइड करें क्या मेजर हो सकता है, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। धनु राशि अप्रैल 2021, द मून। इमोशनली थोड़ा सा आप अपने अंदर रहेंगे, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे किसी को। एम्परर यहाँ पे पावर में रहने वाले हैं, आप पावर में रह के कोई डिसीजन ले सकते हैं। और बॉटम से है आपकी एनर्जी सेजिटेरियस टेम्परेंस। सिचुएशन ठीक होगी, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, लेकिन अगर होगी भी तो वो रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अपने पावर में रहने वाले हैं, अपने पेरेंट्स को लेकर आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, मे बी पेरेंट्स की मर्ज़ी के खिलाफ भी हो सकता है वो डिसीजन। हो सकता है पेरेंट्स आपको रोकने की कोशिश करें, लेकिन आप वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बाद में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। चाहे जॉब में या करियर में, हो सकता है आप कोई अलग फील्ड चूज़ कर रहे हो, आपकी पार्टनर आपके पेरेंट्स से थोड़ा सा आपकी बहस हो जाए, इस तरह की सिचुएशन थोड़ी मुझे दिख रही है। लेकिन ओवर एंड ऑल आपका अप्रैल का मंथ बहुत खूबसूरत जाने वाला है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है और फिर हम लकी नंबर लेंगे आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स सेजिटेरियस राशि वालों के लिए अप्रैल 2021, क्या गाइडेंस है। कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पे एट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था आपके टैरो से, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वहाँ से भी कम्युनिकेशन और यहाँ से भी कम्युनिकेशन। अगर आपकी बातचीत होती है जिसका भी आप वेट कर रहे हैं, जिसको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनसे जब भी आपकी बातचीत होती है तो कम्युनिकेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है, कम्युनिकेशन पे फोकस्ड रहना है, ऐसा आपको गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स। नो नीड टू वरी, आपको चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपके लाइफ में कुछ बेहतरीन, कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है, नो नीड टू वरी, ये गाइडेंस है आपके लिए। बिल्कुल भी चिंता मत करिए, चाहे लाइफ में जो भी सिचुएशन आपकी चली हो, पास्ट में आपने जो भी देखा हो, झेला हो, लेकिन अप्रैल का मंथ आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया है। कोई नेगेटिव कार्ड्स मुझे नहीं दिखे हैं अभी तक सेजिटेरियस राशि में। देखते हैं आपके लिए लकी नंबर क्या निकल कर आता है सेजिटेरियस। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सेजिटेरियस धनु राशि के लिए अप्रैल 2021 लकी नंबर क्या हो सकता है। थ्री, एक और लूंगी मैं। थ्री एंड फाइव सेजिटेरियस आपके लिए जो लकी नंबर निकल कर आया है वो है थ्री एंड फाइव। तो हो सकता है 12th अप्रैल, 3rd अप्रैल, साथ ही साथ 5th अप्रैल, या जिसको भी जोड़ के फाइव बने या थ्री बने, आप उन लेटर्स को ले सकते हैं 14th अप्रैल। तो
ये दो नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं अप्रैल 2021 के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो आगे क्या हो सकता है। अगर आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आपकी करंट सिचुएशन से रेजोनेट करती है, ज़रूर कमेंट करें, मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।